वो क्यों झूठ बोलेंगे? तीन चार बार साफ हो चुका है। चलिए देखते हैं इसको साफ होने के बाद कितने एक महीने डेढ़ महीने में क्या परेशानी होती है। एक डेढ़ महीने में क्या होगा ना सर, ये हरा हरा और सर दोनों को भी खींचेंगे। एक मिला हथिया डाला नहीं, एक मिला डाल हथिया डाला। एक टुकड़ा भी रिसाइकिल होने के अलावा किसी काम से फेंका ना चाहिए। आप रैपर भी एक प्लास्टिक बॉटल, जैसे हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि 2 लीटर के प्लास्टिक के पांच छोटे छोटे पीसेस कीजिए, काट के उस बॉटल के अंदर भर दीजिए उसको, लेकिन ये प्लास्टिक ट्रिक है, वो भर जाएगा। अध्यक्ष जन सामाजिक विकास में आप, हम लोग आज एक साल हो गया स्वच्छता अभियान में लगे हुए, जिसमें CRPF हमारा पूरा साथ दे रही है। अभी हम लोग एक महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के एक महीने नहीं हुए जाने के तुरंत बाद नेक्स्ट डे से हम लोग संत रविदास घाट से लेके सभी घाटों को स्वच्छ करते हुए इधर 84 घाट में 82 घाटों को हम लोगों ने स्वच्छ किया। 2 घाट नहीं हो पाए जिस ललिता घाट वगैरह पे काम चल रहा था, जहां हम लोग नहीं जा पाए, और नदी उस पार राजघाट से लेके शास्त्री पुल तक हम लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया। अब हम लोगों का ये है कि जितने तालाब और कुंड हैं, यदि मौसम ठीक रहा तो हम लोग पहले पुष्कर तालाब से शुरू किए, पुष्कर तालाब को स्वच्छ करने के बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे और उसको स्वच्छता अभियान, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियान, तो हम लोग उन्हीं से प्रेरित होके, माननीय मोदी जी से प्रेरित होके, अपने बड़े आदर्शों के साथ प्रेरित होके हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके बाद तुरंत हम लोग लंका से लेकर शिवपुर तक और लंका से लेकर सारनाथ तक हर गली में स्वच्छता अभियान लगाते हुए, सैनिटाइजेशन करते हुए CRPF के साथ फिर आगे बढ़ेंगे और काशी को नंबर एक घोषित कराने में हमारी पूरे सेना का एक अहम भूमिका होगी। अहम विद्यासागर राय, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, वाराणसी महानगर। सर, पुष्कर तालाब पर आए, आपने क्या देखा, कैसा आपको महसूस हो रहा है? नहीं, पहले से तो बहुत जागरूकता आई है और ये नेक काम देख करके सच में दिल प्रसन्न हुआ, और प्रधानमंत्री जी का मिशन स्वच्छता अभियान को गति देने के लिए जो हमारे CRPF के लोग, सृजन संस्था और ताइक्वांडो की टीम, यहाँ के क्षेत्रीय लोग, हमारी पार्टी के लोग, सब लोग मिलकर जो ये नेक काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं सबको हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि ये काम होना ही चाहिए। देखिए, मेरा नाम नरेंद्र पाल सिंह है, मैं कमांडिंग 295 बटालियन CRPF में। हम लोग यहाँ पर काशी उत्सव टेम्पल और ज्ञान बापी मस्जिद की सिक्योरिटी देखते हैं। तो 95 बटालियन CRPF में सृजन सामाजिक विकास न्यास और नगर निगम के साथ मिलके यहाँ पर एक पुष्कर तालाब की सफाई अभियान का एक बीड़ा उठाया था। आज सफाई अभियान का 7वां दिन है और आप जैसे देख रहे हैं कि हमारा उद्देश्य काफ़ी हद तक सफल रहा है। इन 3 ऑर्गेनाइजेशन के अलावा बड़ी संख्या में यहाँ के लोकल लोग और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैसे आपने देखा कि जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके प्लेयर्स हमारे साथ आए हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोकल्स भी आज सफाई अभियान में हम लोग के साथ जुड़े हैं।